हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू श्रेयस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ और एक न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं। आप वीडियो देख के सोच रहे होंगे ना कि ये साइड में जो सब दिखा रही हूँ, फिर ट्रैवल का, जर्नी का, बाइक्स, कार्स और सेम प्लेस। मेरा लास्ट व्लॉग में भी ऐसे सेम प्लेस था। राइट, आप करेक्ट देख रहे हो। मैं और मेरे भाई क्या सोचे कि चलो आज फिर से एक्सप्लोर करते हैं उसी प्लेस में। तो फिर हमको एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम जाके जब पहुँचे, हम लोग को एक न्यू सरप्राइज़ मिल गया। तो वही सरप्राइज़ को लाने के लिए आप सबको ये सामने, तो सोची मैं चलिए और एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे थे, बहुत सारे बाइक्स, कार्स, ऑटो, सारे का सारा व्हीकल्स खड़ा हुआ है और बहुत सारे क्राउड हुआ है। तो इसका रीज़न है कि लोग इधर काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने आए हैं। देखिए कैसे कितना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस बना के रख दिया है। उस दिन जब आए थे हम लोग, कोई नहीं था, बहुत रेयर लोग आए थे घूमने के लिए। और आज बहुत ही सारे लोग आए हैं और सारे के सारे काइट लेके आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि मैं हमेशा चढ़ती रहती हूँ, आज भी मैं गई हूँ पीक पॉइंट में चढ़ने के लिए। तो आके मैं चढ़ गई हूँ उधर। हेलो, हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं फिर से आई हूँ सेम प्लेस और एक न्यू ब्लॉग के साथ। बट ये बात है कि आज मुझे इधर एक सरप्राइज़ मिला कि इधर लोग सब काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इधर आ गई हूँ। तो देखिए मेरे पीछे में पूरा बैकग्राउंड, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। सारे के सारे लोग इधर काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पूरा जो स्काई है वो काइट से भर गया है। तो मैं इधर कहाँ खड़ी हूँ, देखिए पूरा पॉइंट में, इधर मेरा पीछे देखिए साइड में, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा पॉइंट में मैं आके खड़ी हूँ और इधर लोग आके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आई थिंक कुछ मूवी फिल्म से शूटिंग चल रहा है। एंड मैं और मेरे भाई इधर बैठे हुए थे, देखो, और देखिए पूरा पूरा पॉइंट में आके हम दोनों इधर खड़े होके शूट कर रहे हैं। तो आपको मैं पूरा का पूरा काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ऑलरेडी काइट फेस्टिवल तो जा चुका है, फिर भी लोग इधर सेलिब्रेशन करें, देख के बहुत ही खुशी हुआ मुझे। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ मैं खड़ी हूँ इधर से पूरा नीचे का व्यू, और इधर नीचे वैन्स, कार्स, जीप्स सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि मैं कितना ऊपर खड़ी हूँ और ये बहुत ही पिक पॉइंट है। इधर एक अंकल आए हुए थे और अपने बेटे के साथ उसको सिखा रहे थे कैसे क्या चलाना है। तो मैं भी जाकर अंकल को थोड़ा बोली कि मुझे भी थोड़ा सिखा दीजिए। तो मैं भी काइट कैसे उड़ाते हैं थोड़ा उड़ा के देखी, सीख भी ली। तो रियल लाइफ में कैसे काइट उड़ाते हैं पूरा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो टीवी में देखी थी और बच्चों को भी ऐसे बाहर देखी हूँ कि लोग कैसे काइट उड़ाते हैं, मगर मैं कभी उड़ाई नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आता था कि मैं जो काइट उड़ाती हूँ, उड़ा रही हूँ फ़िलहाल,
तो वो काइट कौन सा है वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो स्काई में जाने के बाद वो तो बहुत छोटा हो जाता है ना, तो कलर सेम कलर का भी तो बहुत सारे काइट्स होते हैं, और इतना छोटा छोटा काइट होने के बाद पता कैसे चलता है कि ये मेरा काइट है उसका काइट है, तो फिर वो मेरा लेफ्ट जाएगा कैसे, राइट जाएगा कैसे, पूरा ऊपर कैसे जाएगा, उसको मैं नीचे कैसे लाऊंगी, और एक काइट के साथ अगर धक्का हो जाता है मेरा काइट तो फिर नीचे तो नहीं आ जाएगा। ऐसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे, तो आज मेरा एक्सपीरियंस होकर मुझे पता चल गया कि कैसे क्या करना होता है। को भी स्टार्ट करेंगे, इसको धागा में इसे लगाए। पहला वाला जो काइट उड़ा रहे थे वो अंकल, वो काइट नीचे आ गया, नीचे गिर गया, तो और एक काइट वो लाए हुए थे साइड में रखे हुए थे, तो उसको वो भी कनेक्ट करके कैसे स्टार्टिंग से ही उड़ाते हैं, तो अभी वो उड़ा रहे हैं, तो हम उसको देख रहे हैं, और मैं अंकल को पूछ पूछ के परेशान कर रही थी, अंकल बताइए इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसको कहाँ से इसे पकड़ के उड़ाना है, और अंकल भी बहुत अच्छे से समझा रहे थे, भले ही अनजान हो मगर अच्छे से समझा रहे थे। काइट उधर जा रहा है। उधर जो अंकल थे वो हम लोग को बता रहे थे कि मकर संक्रांति से मीन्स जहाँ से काइट फेस्टिवल का स्टार्ट होता है वहाँ से लेके अराउंड 1 मंथ 2 मंथ उधर ऐसे ही डेली वो एरिया में ऐसे ये सब काइट उड़ाने के लिए सब आते हैं। तो ये वाला जो अभी कंटिन्यू चल रहा है वो अराउंड फेब्रवरी 15 तक कंटिन्यू चलने वाला है, प्लस अभी जो मंगलवार आ रहा है ट्यूसडे जनवरी 26 है उस दिन भी पूरा होल डे काइट उड़ाने के लिए सब कोई आने वाले हैं। आज का वीडियो इधर ही रखते हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया है, चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स इधर जो भी रहते हैं हैदराबाद में तो मैं रेकमेंड करूँगी पक्का जाए और घूमे देखे काइट सेलिब्रेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।